खरगोन नगर पालिका चुनाव की घोषणा होते ही रहवासी अपने क्षेत्रों की समस्याओं को लेकर विरोध के स्वर मुखर करने लगे हैं। लंबे समय से शिकायतों के बाद समस्या हल होते दिखाई नहीं दे रही है। लोग आगामी चुनाव में मतदान के बहिष्कार की चेतावनी तक दे रहे हैं। ऐसी ही नाराजगी जवाहर मार्ग के रहवासियों ने भी दिखाई है। क्षेत्र के जगदीश महाजन ने बताया कि हमें पिछले 30 वर्षों से नाली सफाई, गंदा पानी, निकासी की समस्या से जूझ रहे हैं। कॉलोनी में बगीचा भी है लेकिन रखरखाव के अभाव में वीरान पड़ा है। सफाई नहीं होने से न तो टहल सकते हैं और न बैठ सकते हैं। जहां सफाई के साथ साथ पौधे एवं हरी घास लगाने की मांग भी पार्षद के लेकर नगरपालिका, जिला प्रशासन, यहां तक कि सीएम हेल्पलाइन पर भी कर चुके हैं, लेकिन सिवाय आश्वासन के कुछ भी नहीं दिया जा रहा है। यहाँ पर न तो कोई देखने वाला है और ना ही कोई सुनने वाला है। ये कॉलोनी शासकीय कॉलोनी होते हुए भी लावारिस है। जहाँ पर 2 बगीचे हैं लेकिन देखरेख के अभाव में यहाँ पर आज तक कोई एक पौधा भी विकसित नहीं हो पाया है और सड़क की दुर्दशा अति दयनीय है। नालियों की दशा इतनी गंभीर है कि अभी गर्मी में नालियाँ उफान पर है। अब जब बारिश होगी तो शायद एक कॉलोनी में ऐसा लगता है कि एक गंदे तालाब का रूप धारण कर लेगी। खरगोन से जयंत गुप्ता की रिपोर्ट। जवाहर नगर में हमारे यहाँ नालियाँ बहुत चोक हो गई, पानी जाम हो गया, मच्छर बहुत आ रहे हैं। कॉलोनी ये प्लाट वोट में बहुत ज़्यादा गंदगी फैल रही है, सफाई नहीं हो रही। कोई मतलब सुनवाई कोई सुन ही नहीं रहा। बार बार फोन भी लगाते नगर पालिका में, कोई सुनवाई नहीं हो रही है। इस बार हम चुनाव का बहिष्कार करेंगे यदि सब कार्य नहीं हुआ तो। एक मिनट, क्या नाम है तुम्हारा? पद्मा महाजन। महाजन, जवाहर नगर से बोल रहा हूँ, वार्ड क्रमांक 11। हमारे मेन समस्या है, नालियाँ पक्के बनी हुई हैं, नालियाँ सब खत्म हो गई है, पानी रुक रहा है, बीमारी फैल रही है, कोई सफाई में आता नहीं है। कई बार हमने मोबाइल फ़ोन भी लगाया, कोई सुनता नहीं है। और यहाँ के हमारे पर सामने गार्डन भी है, वह कोई ध्यान नहीं दे रहा है। वो भी नहीं, पौधा भी लगाओ इधर, कोई देखने आता नहीं है। इस बार हम चुनाव का बहिष्कार करें यदि हमारी समस्या हल नहीं हुआ तो। कब से परेशान हो रहे हैं आप लोग? हम कई सालों परेशान सब, कई बार फ़ोन लगा कोई आता नहीं यहाँ पे। कई बार शिकायत करी मैंने जाके नगरपालिका में, कोई सुनवाई नहीं हो रही है। पूर्व पार्षद के भी काम किए हैं आपने, उनको अवगत भी कराया था? अवगत भी कराया मैंने, कई बार लेटर भी दिया उनको, कोई सुनवाई नहीं हो रही है। ना आते हैं सफाई करने, आते नहीं है। मतलब इस बार वोट नहीं डालोगे? कई बार बच्चों को यहाँ हजारों को वो हो गया था, बीमारी हो गई थी मच्छर कारण, कोई ध्यान नहीं दे रहे थे। क्या नाम है आपका? जगदीश महाजन। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।